Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मैं जिस विषय को लेकर आई हूँ उस विषय का नाम है प्रबंधन प्रक्रिया और संगठनात्मक व्यवहार आज के व्याख्यान में हम जिस पर बात करने वाले हैं वह है, है धारणा यानी कि परसेप्शन हमने पिछले व्याख्यान में बात करी थी कि किस प्रकार एक इंसान का व्यक्तित्व बनता है अलग अलग व्यक्तित्व में अलग अलग तरीके के लक्षण एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं वह किस आधार पर बनते हैं कौन से ऐसे कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं अब आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार एक इंसान की धारणा किसी वस्तु किसी स्थान किसी स्थिति के लिए बनती है मतलब कि परसेप्शन तो इस सत्र के अंत तक आप निम्न चीज़ों में सक्षम हो पाएंगे हम पहले बात करना करेंगे कि अलग अलग लोग एक ही तरीके की स्थिति को एक ही तरीके की वस्तु को एक ही तरीके के सामान को कैसे अलग अलग तरीक़ों से समझते हैं देखते हैं और उनका वर्णन करते हैं तो हम बात करेंगे धारणा की कंसेप्ट की कि परसेप्शन क्या होता है कैसे बनता है उसका प्रोसेस क्या है उसकी मूल प्रक्रिया क्या है इसके अलावा हम बात करेंगे विभिन्न अवधारणात्मक त्रुटियों की यानी कि परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस की और अंत में हम बात करने जाएंगे कि किस प्रकार अलग अलग संगठनों में एक प्रबंधक को यह जानने की ज़रूरत है कि किस प्रकार धारणा बनती है और किस प्रकार वे धारणा से होने वाली त्रुटियों को दूर कर सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले समझते हैं कि धारणा यानि कि परसेप्शन होता क्या है मैं सबसे पहले एक कोटेशन बोलना चाहूँगी वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर वी सी थिंग्स एज वी आर यानी कि हम जिस स्थिति हम जिस सामान हम जिस वस्तु के बारे में कुछ भी सोचते हैं या जिस प्रकार उसको देखते हैं जिस प्रकार उसका वर्णन करते हैं तो हम उस वस्तु उस स्थिति को उसी प्रकार से शायद ना देख रहे हों जिस प्रकार वो दिखती है औरों को हम उस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से हम उसे देखना चाहते हैं जिस प्रकार से हमारी सोच है हमारा व्यक्तित्व है हमारी मानसिकता है तो जब हम बात करते हैं अनुभूति यानी कि धारणा यानी कि परसेप्शन की तो वह संवेदी जानकारी यानी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित करने उसकी व्याख्या करने और सचेत रूप से अनुभव करने के तरीके को संदर्भित करता है यानी कि जब हम परसेप्शन की बात करते हैं तो हम किस प्रकार अपने आसपास होने वाली संवेदी जानकारी को इकट्ठा करते हैं उस पर केंद्रित होते हैं और किस तरीके से हम उस जानकारी को ऑर्गेनाइज कर कर यानी कि व्यवस्थित कर कर उसको इंटरप्रेट करते हैं तो चलिए आगे जब हम बात करते हैं धारणा की तो धारणा हमारे आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया होती है इसमें यह तय करना शामिल है कि किस सूचना पर ध्यान दिया जाए इस जानकारी को कैसे वर्गीकृत किया जाए और मौजूदा ज्ञान के ढांचे के भीतर इसकी व्याख्या कैसे की जाए तो शायद आप समझ पाए होंगे हमने इस पर तीन चीज़ों पर बात करी कि हमें किस पर ध्यान देना है हमें किस चीज़ को किस स्थिति को किस प्रकार वर्गीकृत करना है और साथ ही साथ हम एक अपने ही तरीके से अपने व्यक्तित्व के हिसाब से उस वर्गीकरण की एक अलग ही व्याख्या करते हैं जिसको हम परसेप्शन कहते हैं या धारणा बोलते हैं जब हम धारणा यानी कि परसेप्शन की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसमें होती है वह है सेंसरी एक्सपीरियंस यानी कि संवेदनशील अनुभव हम इंसानों के पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं हम देख सकते हैं आँख से हम सुन सकते हैं कान से तो ये सब क्या है सेंसरी ऑर्गन्स जब भी हम परसेप्शन यानी कि धारणा की बात करते हैं तो सबसे पहले संवेदनशील अनुभव होना बहुत जरूरी है आप सोच के देखिए कि अगर आप किसी खाने के स्वाद के बारे में बात करना चाहते हैं लेकिन आपके टेस्ट बर्ड्स ही डेवलप नहीं है तो आप कैसे परसेप्शन बना पाएंगे उस खाने के बारे में आप किसी वस्तु के रंग की व्याख्या करना चाहते हैं उसका वर्णन करना चाहते हैं तो उससे पहले आपके आंखों का सही होना जरूरी है तभी तो आप उस चीज को देख पाएंगे तो जब भी हम परसेप्शन की बात करते हैं यानी कि धारणा की बात करते हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है एक सेंसरी एक्सपीरियंस होना बिना सेंसरी एक्सपीरियंस के जब आपको कोई अनुभव ही नहीं होगा तो आप कैसे उस उसे अनुभव किए बिना उसके बारे में धारणा बनाएंगे या उसकी व्याख्या करेंगे या उसको वर्गीकरण करेंगे या उसको सिलेक्ट करेंगे इसके अलावा जब हम बात करते हैं परसेप्शन की तो व्यक्ति व्यक्तिपरक होता है यानी कि सब्जेक्टिव होता है आपके हिसाब से जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं एक गिलास है जिसमें आधे ग्लास में पानी भरा हुआ है तो कुछ लोग जब उस गिलास को देखेंगे तो वह कहेंगे ग्लास आधा खाली है और कुछ लोग कहेंगे ग्लास आधा भरा हुआ है और कुछ लोग शायद पानी की बात ही ना करें वह तो कहें कि कांच का ग्लास है कुछ लोग कहें यह तो लाल रंग का गिलास है तो आप देखिए एक ही वस्तु को अलग अलग तरीके से उसका अलग अलग वर्णन किया गया ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ क्योंकि हर इंसान की सोच अलग है उसके सोचने का तरीका अलग है उसका समूहीकरण करने का तरीक तरीका अलग है वर्गीकरण करने का तरीका अलग है तो जिस हिसाब से उसने जिस चीज को किसी को शायद लाल रंग पसंद होगा तो उसने लाल रंग की बात करी किसी की शायद सोच सकारात्मक होगी तो उसने आधे भरे हुए ग्लास की बात करी या किसी को प्यास बहुत लग रही होगी तब उसने आधे भरे हुए ग्लास की बात करी तो जिसको जिस प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं या अनुभव होते हैं उसी प्रकार से वो उस स्थिति या वस्तु या सामान या प्राणी के बारे में वर्णन करते हैं या धारणा बनाते हैं तो यह सब्जेक्टिव होता है सब्जेक्टिव इसीलिए क्योंकि हर इंसान के हिसाब से चीज़ें अलग होती हैं इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या जब हम परसेप्शन को बोलते हैं धारणा यह एक फिल्टर प्रक्रिया होती है हर इंसान अपने नए पुराने अनुभवों के अनुसार दी गई इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है और उसे जो सही लगता है या जो उसके मन के अनुसार होता है या जो उसके व्यक्तित्व के अनुसार होता है उस ही इंफॉर्मेशन को वो लेता है और उसके बारे में धारणा बनाता है तो यह एक फिल्टर प्रोसेस है और सिर्फ यही नहीं हर इंसान की व्याख्या अनूठी होती है यूनिक इंटरप्रिटेशन आपने शायद जब मैं बात कर रही थी कि ग्लास आधा भरा हुआ है और ग्लास आधा खाली तो शायद आपने यही सोचा होगा कि एक इंसान बोलेगा ग्लास आधा खाली है और दूसरा बोलेगा ग्लास आधा भरा है लेकिन नहीं हमारे पास ऐसा भी कोई आया जिसने कहा कि ग्लास का लाल रंग बहुत सुंदर है किसी ने शायद ग्लास के क्वालिटी की ही बात करी किसी ने शायद यही देखा कि ग्लास पर डिज़ाइन क्या बना हुआ है तो सबकी अपनी अपनी अनूठी अलग व्याख्या होती है यूनिक इंटरप्रिटेशन होता है इसके साथ साथ एक और बात जब हम परसेप्शन यानी कि धारणा की बात करते हैं तो वह है आधार होता है व्यक्ति के व्यवहार का अपनी धारणा के अनुसार ही एक व्यक्ति कोई भी व्यवहार या प्रतिक्रिया को दर्शाता है तो यह सब कहीं ना कहीं धारणा की प्रक्रिया थी धारणा की प्रकृति थी यानी कि नेचर ऑफ परसेप्शन तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धारणा की प्रक्रिया की यानी कि प्रोसेस ऑफ परसेप्शन जब हम प्रोसेस ऑफ परसेप्शन की बात करते हैं तो इसको हमने तीन भागों में विभाजित किया हुआ है सबसे पहला अवधारणात्मक इनपुट यानी कि परसेप्चुअल इनपुट दूसरा अवधारणात्मक प्रक्रिया यानी कि परसेप्चुअल प्रोसेस और तीसरा अवधारणात्मक आउटपुट यानी कि परसेप्चुअल आउटपुट माना यह जाता है कि जब भी हम धारणा बनने की या धारणा बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ स्टिमिला होना चाहिए उद्दीपन होना चाहिए जिसकी वजह से या जिसके बारे में कोई इंसान कोई धारणा बनाएगा जब उसके सामने कोई स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन ही नहीं है तो वह किस बारे में धारणा बनाएगा किसके लिए धारणा बनाएगा किस, किस चीज की व्याख्या करेगा किस चीज का वर्णन करेगा तो जब हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अवधारणात्मक इनपुट यानी कि हमें इनपुट क्या मिल रहा है जब हम इनपुट की बात करते हैं तो इनपुट हमें मिलता है हमारे सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि आपका नाक कान आदि जब हमें कोई सेंसेशंस, यानी कि उद्दीपन यानी कि कोई स्टिम्युलाय मिलता है अब किसी एक इंसान को अलग अलग प्रकार के स्टिम्युलाय मिल सकते हैं जब वह किसी वातावरण में है लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह हर चीज के बारे में धारणा बनाएगा आप अपने बारे में सोच के देखिए आपके आसपास अलग अलग चीजें अलग अलग स्टिम्युलाय आपको मिल रहे होते हैं तो क्या आप हर एक चीज जो आपके आसपास घटित हो रही है आप उसके बारे में अवधारणा बनाते हैं नहीं आप कुछ सिलेक्टेड चीजों पर ही अवधारणा बनाते हैं या धारणा बनाते हैं या परसेप्शन बनाते हैं तो आपको स्टिम्युलाय तो मिला लेकिन इसका मतलब स्टेमिलाय तो मिला यानी कि इनपुट तो मिला लेकिन अब उस इनपुट में से किस इनपुट को आप आगे लेकर जाएंगे यानी कि प्रक्रिया के प्रोसेस पे लेके जाएंगे वह डिसाइड होता है सिलेक्शन या फिर सिलेक्टिंग ऑफ दी स्टेमलाय से कि किस प्रकार आप किस स्टेम्युलाय का किस उद्दीपन का चयन करेंगे तो जैसा कि हमने बात करी कि ये मोटा मोटी तौर पे तीन भागों में विभाजित है तो सबसे पहली जिस पर हम बात कर रहे थे वह था अवधारणात्मक इनपुट जिसमें आपको कुछ स्टिम्यए मिला अब बात करते हैं दूसरे प्रक्रिया की दूसरे चरण की प्रक्रिया के जिसमें हम बात कर रहे हैं कि उत्तेजनाओं या स्टिम्यए या उद्दीपन का चयन हम किस बेसिस पर करते हैं किस आधार पर करते हैं क्योंकि हमारे आसपास तो बहुत सारे स्टिम्य हैं हमारे लिए लेकिन हम हर एक चीज के बारे में धारणा नहीं बनाते तो इसके लिए हम दो कारकों की बात करेंगे बाहरी कारक और आंतरिक कारक पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की कि ऐसे कौन से जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो फैक्टर स्टिमिलाय में है मतलब कि हमारे उद्दीपन में है जो हमें उत्तेजित कर रहा है कुछ प्रक्रिया दिखाने के लिए कुछ धारणा बनाने के लिए तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं हमारे स्टिमिलाय में तो सबसे पहली बात जिस पर मैं बात करना चाहूंगी वह होता है तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी इसको मैं उदाहरण से समझाती हूं कि आपकी कंपनी में स्ट्राइक हुई है लोग धरने पर बैठे हैं और एक समूह है जो शांतिपूर्वक धरना कर रहा है जो कोई नारे नहीं बोल रहा ना ही कुछ गलत बोल रहा है वह शांति पूर्वक पूरी अहिंसा में रहते हुए वो धरना कर रहा है लेकिन वहीं पर एक दूसरा समूह बहुत ही उत्तेजित आक्रामक रूप से धरना कर रहा है तो अब आप मुझे यह सोचकर बताइए कि आप किस सिचुएशन को किस स्थिति को सिलेक्ट करेंगे और क्यों आप किसके बारे में धारणा बनाएंगे सबसे पहले तो अगर हम जनरल सिचुएशंस में बात करें तो कोई भी इंसान सबसे पहले जो ग्रुप जो समूह बहुत ही उत्तेजित है आक्रामक है उसके बारे में उसको शांत करने के बारे में या उसके बारे में कोई भी धारणा बनाएगा कि वह क्या चाहते हैं क्या करेंगे या आगे वो क्या कर सकते हैं क्यों क्योंकि उनके धरने में बहुत इंटेंसिटी है तीव्रता है जिससे आपको शायद लग रहा है कि आपको नुकसान ज्यादा पहुंच सकता है और जो लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं आप शायद उनके बारे में या उनको अभी आप सेलेक्ट ना करें उनको उनका चयन अभी आप ना करें क्योंकि आपके लिए वो शायद उस वक्त जरूरी नहीं था इतना क्योंकि वह शांतिपूर्वक बैठे थे कोई परेशानी में आपको नहीं डाल रहे थे इसके अलावा अगर दूसरे फैक्टर की मैं बात करूं तो आकार यानी कि साइज हम आकार के हिसाब से भी स्टिम्युलाय को सिलेक्ट करते हैं जो चीजें दिखने में बड़ी होती हैं हमारा ध्यान वह जल्दी केंद्रित करती हैं और हम ऐसे स्टिम्युलाय को ऐसी उत्तेजनाओं को चयन जल्दी करते हैं उदाहरण के तौर तो पे मैं कहूंगी जैसा कि कंपनी में जैसे कि चिप्स की कंपनी लीजिए उन्होंने क्या किया है उन्होंने अपने चिप्स के पैकेट का साइज धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं और जितना बड़ा साइज होता है पैकेट का वो है पैकेट हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित करता है और हम उसके बारे में धारणा बनाने में जल्दी रुचि महसूस करते हैं तो आकार आपके स्टिमिलाय का आकार भी इस प्रकार इस प्रकार निर्धारित करता है कि आप कौन सी उत्तेजना को सिलेक्ट चयन करेंगे या नहीं करेंगे इसके अलावा जब हम बात करते हैं कंट्रास्ट यानी कि अंतर कुछ सिचुएशंस कुछ स्थितियों में अंतर जब आप देखते हैं कंट्रास्ट देखते हैं तो आप उनका चयन करते हैं जैसे कि सोच के देखिए आपकी माता आपके लिए रोज खाना बना रही हैं और रोज बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बना रही है तो शायद आप रोज उनसे नहीं कहेंगे कि आज आपने खाना अच्छा बनाया है लेकिन जिस दिन आप देखेंगे कि कुछ खाने में गड़बड़ है सब्जी में नमक ज्यादा है दाल में मिर्च ज्यादा है रोटी थोड़ी जली हुई है तो अब आपका ध्यान एकदम से जाएगा और आप तुरंत इस बात के लिए एक अवधारणा बनाएंगे और इसका चयन करेंगे तो यह होता है कंट्रास्टिंग सिचुएशन तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि एक व्यक्ति एक संगठन में हर दिन अपना कार्य बड़ी ही ईमानदारी से बड़े ही सिंसियरिटी से हार्डवर्क से करता था लेकिन एकदम से एक दिन उसने किसी ग्राहक से बदतमीजी से बात करी पे बड़ा ही कूल काम कंपोस्ट पर्सनालिटी वाला व्यक्तित्व वाला इंसान था जो शांत रहता था अपने काम पर ध्यान रखता था लेकिन एक दिन उसने किसी ग्राहक से लड़ाई कर ली या बदतमीजी से बात कर ली तो सबका ध्यान उस इंसान पर जरूर जाएगा तो ये क्या हुआ कि उस उत्तेजना को उस उद्दीपन को स्टिमिलाय को लोगों ने सिलेक्ट किया और उसके बारे में अवधारणा बनाई इसके अलावा अगर हम बात करें गतिशील चीज़ें यानी कि जो चीज़ें मूवमेंट में होती हैं उन पर लोगों का ध्यान या फिर आप ये कहिए कि उन स्टिमिला को लोग जल्दी चयन करते हैं अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो जो बिल बोर्ड्स होते हैं उस पर जब चीज़ें एक स्थिर कोई एडवर्टीजमेंट होता है या उसी के विपरीत एक एडवर्टीजमेंट जो उस पर कुछ चल रहा है तो लोगों का ध्यान आसानी से केंद्रित करता है जो चीज़ें गतिशील होती हैं मूवमेंट में होती हैं इसी के साथ एक और कारक जिसको हम फेमिलियरिटी जिसको हम रेपटेशन यानी कि दोहराव कहते हैं जो चीज़ें जो आए, बार बार रिपीट होते हैं बार बार उस पर बोला जाता है तो हम चाहते ना चाहते हुए उसका चयन कर ही लेते हैं हाँ इसमें एक चीज होती है कि जब वह ओवर रेपिटेटिव हो जाता है इतना ज्यादा दोहराव हो जाता है कि वो एक मुनाटनस एक मोनोटनी लेकर आ जाता है तब लोग उसका चयन करना बंद कर देते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर कोई एडवर्टीजमेंट बार बार अखबार में प्रकाशित हो रहा है तो शायद आप एक बार उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे उसका चयन नहीं करेंगे दूसरी बार नहीं करेंगे लेकिन जब आप बार बार शायद वो आपके आंखों के सामने से गुजर रहा है तो एक बार आप भी उस पर नज़र डालेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे उसका चयन करेंगे लेकिन वही चीज़ अगर बहुत बार रिपीट हो गई है तो शायद वो आपके लिए अब मायने नहीं रखती हो इसके अलावा एक और कारक होता है जो कि फेमिलियारिटी यानी कि सुपरिजय जब हम कुछ चीजों से फमीलियर होते हैं परिचित होते हैं तो वह हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है हम उनका चयन करते हैं उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको बताऊं आप भारत से अमेरिका गए वहां पर जब भी आप कहीं घूम रहे हैं तो आप कोई भी भारतीय आपको अगर अमरीकी लोगों में दिखता है तो आप उसका चयन करते हैं आपका ध्यान उसकी तरफ जाता है और आप उसके बारे में अवधारणा बनाने लगते हैं यानी कि फेमिलियरिटी प्रिंसिपल कि जिस चीज से जिस सिचुएशन से हम परिचित होते हैं और हम ऐसे माहौल में हैं, जहां पर आसपास हम अपरिचित चीजों से घिरे हुए हैं अपरिचित स्थितियों से घिरे हुए हैं लेकिन वहीं पर एक परिचित स्थिति या मनुष्य या वस्तु हमें दिखाई देती है तो हम उसका चयन करते हैं यह होता है फेमिलियरिटी प्रिंसिपल अब इसके विपरीत नोवेल्टी प्रिंसिपल भी होता है यानी कि नवीनता नोवेल्टी प्रिंसिपल के अनुसार होता है कि हम जो चीजें हमारे वातावरण में नवीन होती हैं एकदम नई होती हैं जो पहले नहीं थी हमारे सामान्य वातावरण में लेकिन अब वह एकदम से दिख रही हैं तो हम उनका चयन करते हैं जैसे कि आप सोच के देखिए आप जहां पर रहते हैं वहां सब भारतीय रहते हैं सब भारतीयों के घर ही हैं लेकिन कोई एक अमेरिकन वहां रहने के लिए आ जाए तो चाहे इतने सौ भारतीय रह रहे होंगे लेकिन आपने उनका चयन नहीं किया होगा लेकिन क्योंकि आपकी सिचुएशंस में एक नई चीज एक नवीन चीज यानी कि एक नवीन व्यक्ति एक नया व्यक्ति एक नए देश का व्यक्ति जो आपके देश का नहीं है वो जब आके रहने लगा तो आपका ध्यान आपने उस स्टिमुलस का उस उत्तेजना का चयन किया तो यह सब थे कारक जो कि हमारे स्टिमुलस में होते हैं हमारे उद्दीपन में होते हैं जिसकी वजह से हम उन कारकों का उन उत्तेजनाओं का उन उद्दीपनों का चयन करते हैं और फिर आगे का प्रोसेस यानी कि आगे की प्रक्रिया बढ़ती है धारणा बनने की ओर अब इसके अलावा अगर हम बात करें आंतरिक कारकों की आंतरिक कारक किसी भी मनुष्य के अंदर ही होते हैं और अपने खुद के व्यक्तित्व और पर्सनालिटी और बाकी कारकों की वजह से ही वह बाहर के उद्दीपन का चयन करते हैं यानी कि स्टिमुलस का सिलेक्शन करते हैं तो पहला कारक होता है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता यानी कि और साइकोलॉजिकल नीड यह एक शोध के द्वारा पता किया गया कि एक इंसान को काफी दिनों तक भूखा रखा गया उसे पानी खाना कुछ नहीं दिया गया तो यह पाया गया कि उसे हर वस्तु में हर जगह खाना और पानी ही दिखने लग गया उसको जब फूल दिए गए तो उसको उसमें खाना दिखने लगा उसको कुछ और दिया गया तो उसमें उसे खाना और पानी दिखने लगा तो यह होता है कि हम अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुसार अपने आसपास की चीज़ों को अपने आसपास के उत्तेजनाओं को सिलेक्ट करते हैं चयन करते हैं सिर्फ यही नहीं जब हम देखते हैं कि हमारी पृष्ठभूमि कि, यानी कि हमारा बैकग्राउंड किसी और के बैकग्राउंड से मैच करता है जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और आप आगरा के रहने वाले हैं तो वहां पर आप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि और कौन कौन आगरा के ही रहने वाले हैं या और कौन कौन ने बीएससी ही किया है क्योंकि आपने भी बीएससी किया और कौन कौन आगरा में एक निर्धारित स्कूल से ही पढ़े हुए हैं तो यह क्या हुआ आप उद्दीपनों का चयन करने लगे किस आधार पर अपने पृष्ठभूमि अपने बैकग्राउंड के आधार पर और आप अपने बैकग्राउंड जैसे लोगों को ढूंढने लगे कि जिन्होंने आप ही के जैसे समान पढ़ाई करी हो आप ही के जैसे समान शहर से आए हो तो ये था पृष्ठभूमि इसके साथ साथ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव जब हम अनुभव की बात करते हैं एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो कभी पास्ट में आपका अनुभव कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा या कुछ स्थितियों में अच्छा नहीं रहा तो अब आप ये मान के चलते हैं कि उस स्थिति का चयन या तो आपको करना है या नहीं करना ये दोनों ही तरीके से हो सकता है नकारात्मक भी सकारात्मक भी जैसे आपका एक्सपीरियंस कुछ लोगों के साथ कुछ स्पेसिफिक कुछ तरह के लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा तो आप वैसे ही लोगों को का चयन करेंगे वैसे ही लोगों को ढूंढना चाहेंगे तो ये होता है आपका पुराना एक्सपीरियंस या अनुभव आखिरी में जब हम बात करते हैं आंतरिक कारकों की तो वह होता है एक आपका खुद का व्यक्तित्व आपकी खुद की जैसी पर्सनालिटी होती है आप वैसे ही लोगों का चयन अपने आसपास करते हैं या जिस प्रकार की आपकी पर्सनालिटी होती है आपको वैसी ही स्थितियां अच्छी लगती हैं अब आप सोच के देखिए एक बार उदाहरण के तौर पर कि आपके जो दोस्त हैं आपने कैसे उनका चयन किया शायद आपका व्यक्तित्व और उनका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं मेल खाता है मैं यह नहीं कह रही कि पूरी तरह से आपका व्यक्तित्व उनसे मिलता होगा क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होता ही नहीं है लेकिन फिर भी आपके व्यक्तित्व के कुछ लक्षण कुछ एट्रीब्यूट्स दूसरे से मिलते होंगे और आप उन्हीं चीज़ों को उनको ही सिलेक्ट करते हैं उनका ही चयन करते हैं और उनको आगे अवधारणा या धारणा की प्रक्रिया में लेके जाते हैं तो अभी जो हमने पढ़ा वह कहीं ना कहीं अवधारणा की प्रक्रिया में या धारणा की प्रक्रिया में दूसरी स्टेज होती है जिसमें हम कुछ ही चीज़ों को कुछ ही उत्तेजनाओं को कुछ ही उद्दीपनों को सिलेक्ट करते हैं चयन करते हैं हमारे आसपास बहुत चीज़ें हो रही हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स देखते हैं समझते हैं लेकिन हम हर चीज़ को सिलेक्ट नहीं करते हम हर चीज का चयन नहीं करते हैं तो चलिए अब हमने जब चयन कर लिया हमने जब सिलेक्शन कर लिया तो आगे की प्रक्रिया क्या होती है तो तीसरी प्रक्रिया होती है उत्तेजनाओं का आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन उनका ऑर्गेनाइज करना ऑर्गेनाइजिंग ऑफ स्टिमुलाई अब जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो ब्रॉडली हम इनको दो भागों में विभाजित करते हैं यानी कि अवधारणात्मक समूहन यानी कि परसेप्चुअल ग्रुपिंग और अग्रभूमि यानी कि फिगर ग्राउंड तो पहले मैं बात करूंगी अवधारणात्मक समूहन का यानी कि परसेप्चुअल ग्रुपिंग का ग्रुपिंग हम तीन तरीके से कर सकते हैं समानता के बेसिस पर निकटता के बेसिस पर और समापन के आधार पर तो पहले मैं बात करूंगी समानता यानी कि सिमिलैरिटी के बेसिस पर तो अगर आप सबसे पहला फिगर देख पा रहे हैं तो इसमें कुछ सर्कल्स बने हैं कुछ ट्रायंगल्स बने हैं लेकिन हमारी सोच क्या होती है कि हम सारे ट्रायंगल्स को क्योंकि वह सिमिलर हैं समान हैं उनको एक ग्रुप में डाल दें और जितने भी सर्कल्स हैं उनको अलग ग्रुप में डाल दें और हम ग्रुपिंग हम जो समूहन कर रहे हैं वह समानता के आधार पर करते हैं अब समानता के अलावा निकटता यानी कि प्रॉक्सिमिटी अब आप दूसरी पिक्चर को देखिए उसमें एक लाइन बनी है उसमें आप क्या देख पा रहे हैं सिर्फ एक लाइन या एक अलग लाइन सर्कल्स की और दो अलग लाइन या दो तो पैरल लाइन सर्कल्स की या एक सिंगल लाइन अगर हम कहते हैं कि ये एक सिंगल लाइन है और दो पैरल लाइंस हैं तो ये हमने किस आधार पे कहा उन लाइंस की निकटता पर हमने इनको तीन लाइंस, तीन सर्कल्स की लाइन नहीं बोला हमने बोला कि एक तो अलग है और बाकी दो जो हैं वह पैरेलल हैं एक दूसरे के क्योंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी के आधार पर तीसरा जो हम करते हैं क्लोजर यानी कि समापन अगर आप नेक्स्ट फिगर में देख पा रहे हो तो शायद देखते ही आप कहेंगे कि सबसे पहला तो स्क्वायर है उसके बाद का सर्कल है और उसके बाद का ट्रायंगल है लेकिन यह गलत इंटरप्रिटेशन है इसमें से कोई भी स्क्वायर नहीं है कोई भी सर्कल नहीं है कोई भी ट्रायंगल नहीं है क्या आपने बचपन में सर्कल ऐसा देखा है या ट्रायंगल ऐसा देखा है नहीं लेकिन जब हम ग्रुपिंग करते हैं जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं जब हम समूहन बनाते हैं तो हमारी आदत होती है कि हमारे पास हमारे सामने जो गैप्स हमें दिखते हैं हम अपने आप उसको फिल करके अपने आप उसको भर कर एक पूर्ण पिक्चर अपने सामने बना लेते हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आपके संगठन में एक कर्मचारी के कि कि किसी दूसरे कर्मचारी के साथ कुछ अनबन हुई अब अनबन के बाद आपके सीनियर ने उस कर्मचारी को बुलाया थोड़ी देर के बाद वह कर्मचारी आया और अपने केबिन से अपना सारा सामान उठाकर वापस चला गया संगठन के बाहर चला गया अब आमतौर तो पर हम इस सिचुएशन को स्थिति को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि उस इंसान की लड़ाई हुई उसने किसी से अनबन करी तो शायद आपके बॉस नाखुश हुए और बॉस ने उसको डांटा और उसको कंपनी से उसे उसको संगठन छोड़ने को कहा कंपनी छोड़ने को कही और उसने अपना सामान इकट्ठा किया और वह छोड़कर चला गया तो ये हमने क्या किया क्या हमारे सामने ये पूर्ण पिक्चर थी नहीं लेकिन हमने अपने आप जो छोटे छोटे गैप्स थे उनको भरा और एक संपूर्ण कहानी अपने सामने बना ली हो तो यह भी सकता है कि शायद बॉस ने उसको बुलाया था क्योंकि उसके घर में कोई परेशानी आई थी जिसकी वजह से उसे तुरंत बिना किसी से बातचीत किए वहां से अपना सामान लेकर घर जाना पड़ा लेकिन हमने वह नहीं सोचा हमने ग्रुपिंग ऐसे नहीं करी अब ग्रुपिंग करने का दूसरा तरीका होता है अग्रभूमि यानी कि फिगर ग्राउंड अगर आप इन दोनों पिक्चर्स में देख पा रहे हैं और ध्यान से देखिए अलग अलग, अलग चीज आप अलग अलग ध्यान केंद्रित करके कर देखेंगे पहले मैं आपको यह समझाती हूं कि फिगर ग्राउंड होता क्या है उदाहरण के तौर पर देखिए कि अभी मैं आपको यह लेक्चर दे रही हूं ये व्याख्यान सुना रही हूं कुछ विद्यार्थियों के लिए शायद ये व्याख्यान फिगर है अग्र है जिस पर वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसको वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ विद्यार्थियों के लिए हो सकता है उनके घर के बाहर जो चिड़िया की चहचहट हो रही है वह उनके लिए अग्र है और मैं उनके लिए भूमि हो जाऊंगी यानी कि ग्राउंड हो जाऊंगी और वो चिड़ियों की चहचहट हो जाएगी उनके लिए अग्र जिस पर उनका ध्यान जिसको वो ऑर्गेनाइज करने में लगे होंगे तो यह होता है अग्रभूमि तो अब हमने जो बात करी थी तीसरे चरण की जिसमें हमने बात करी कि धारणा की प्रक्रिया में हम उत्तेजनाओं का आयोजन किस प्रकार करते हैं हम उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं जब हमने उन्हें ऑर्गेनाइज कर लिया तो बारी आती है इंटरप्रिटेशन की इसका मतलब उसकी व्याख्या की कि अब हम जिस स्टिमिलाय को हमने चयन किया जिसको हमने आयोजित किया अपने हिसाब से चाहे वो सिमिलैरिटी समानता के बेसिस पर किया हो या हमने क्लोजर प्रिंसिपल के आधार पर किया हो या अग्र भूमि के आधार पर कि हमारे लिए अग्र क्या है और भूमि क्या है फिर हम उस स्टिमिला की व्याख्या करते हैं यानी कि इंटरप्रिटेशन करते हैं एक व्यक्तिपरक यानी कि सब्जेक्टिव निर्णयात्मक जजमेंटल प्रक्रिया है और आमतौर पर एक संगठन में कई कारकों से प्रभावित होती है जब हमने इंटरप्रिटेशन किया तो इंटरप्रिटेशन के बाद आता है हमारा पूर्ण व्यवहार एक अवधारणा के साथ अब वो व्यवहार आपकी जो अवधारणा होती है वह दो प्रकार की हो सकती है कोवर्ट या ओवर्ट कोवर्ट का मतलब कि आपने कोई धारणा तो बना ली लेकिन वह आपके व्यवहार में और लोगों को दिख नहीं रही है जैसे कि आपने किसी के बारे में कुछ सोच तो लिया कुछ धारणा तो बना ली लेकिन आप उसको दिखा नहीं रहे आप ना तो उसको कह रहे हैं ना आप किसी और को उसके बारे में कह रहे हैं लेकिन ओवर्ट बिहेवियर क्या हुआ ओवर्ट व्यवहार हुआ जिसमें आपका व्यवहार आपकी जो धारणा बनी उस स्टिमिलाय के लिए उस उद्दीपन के लिए वह सबको आसानी से दिख रही है तो इस प्रकार आपके परसेप्शन की प्रक्रिया यानी कि धारणा बनने की प्रक्रिया पूरी होती है मैंने आपको ये जो प्रक्रिया बताई आपको देख के लग रहा होगा कि हम इतना सोचते हैं तो नहीं यह फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है जिसमें हम इतना सोच भी नहीं पाते हम हर एक चीज को इतना समय नहीं देते हैं ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का प्रोसेस रहता है प्रक्रिया रहती है तो चलिए अब आगे जानते हैं कि जब भी हम परसेप्शन यानी कि धारणा की बात करते हैं तो उसमें क्या-क्या त्रुटियां आ सकती है डिस्टॉर्शंस एरर्स क्या-क्या हो जाते हैं तो सबसे पहला जब हम बात करते हैं एरर्स की तो अवधारणात्मक त्रुटि मनुष्यों चीजों या स्थितियों को निष्पक्ष और सटीक रूप से आंकने में असमर्थता होती है अवधानात्मक त्रुटि का संगठन में प्रभाव पड़ता है और यह काम पर रखने प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिक्रिया आदि के दौरान उचित निर्णय लेने के कौशल में बाधा उत्पन्न करता है अब देखते हैं कि कौन-कौन से किस-किस प्रकार के अवधारणात्मक त्रुटियां आप एक प्रबंधक के तौर पर एक संगठन में रहते हुए कर देते हैं आपके लिए ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आप प्रबंधक बनने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि, कि किस प्रकार आप ये त्रुटियां ना करें जब आप एक संगठन का हिस्सा हों तो सबसे पहले मैं बात करूंगी रूढ़िबद्धता यानी कि स्टीरियोटाइपिंग की एक स्टीरियोटाइप एक विशेष समूह या सामाजिक श्रेणी के सदस्यों के गुणों और विशेषताओं के बारे में संज्ञानात्मक सामान्यकरणों का एक समूह है यह लिंग आयु राष्ट्रीयता धर्म आदि के आधार पर हो सकता है अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि एक धारणा होती है कि जितने भी बच्चे मैथमेटिक्स यानी कि गणित पढ़ते हैं या ग्यारहवीं कक्षा में दसवीं पास करने के बाद ग्यारहवीं कक्षा में जो लोग गणित लेते हैं वह बड़े ही बुद्धिमान होते हैं बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं और अगर आपने कोई और विषय ले लिया तो इसका मतलब या तो आपके दसवीं में नंबर अच्छे नहीं आए हैं या आप इतने बुद्धिमान नहीं हैं तो ये क्या हुआ ये एक रूढ़िबद्धता है स्टीरियोटाइपिंग है स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि आपके बारे में व्याख्यान करना क्यों क्योंकि आप एक समूह से असोसिएटेड हैं अब जैसे कि एक और उदाहरण मैं बोलूं कि बहुत लोगों का ये मानना होता है उनका ये परसेप्शन होता है उनकी ये धारणा होती है कि महिलाएं फिजिकल काम नहीं कर पाती हैं तो ये जो धारणा हुई ये किस बेसिस पर हुई लिंग के आधार पर इसके अलावा एक धारणा कि अगर आपकी उम्र सत्तर से ऊपर है तो आप ऊर्जावान नहीं होंगे आप इनोवेटिव नहीं होंगे रचनात्मक नहीं होंगे लेकिन यह भी एक सिर्फ स्टीरियो है ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप एक आयु से जुड़ गए तो उस आयु से जुड़ने के बाद आपकी रचनात्मकता खत्म हो जाएगी आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी या फिर माना जाता है कि अगर कोई 18-20 साल का इंसान या 25 साल तक का इंसान संगठन में काम कर रहा है तो वह हर समय हर छोटी बात पर आक्रामक उत्तेजित हो जाएगा ऐसा भी जरूरी नहीं है तो ये क्या हुआ ये स्टीरियो है रूढ़ीबद्धता है जो कि एक अवधारणात्मक त्रुटि है हमें हर इंसान हर वस्तु हर सिचुएशन को अलग तरीके से समझना चाहिए हमें वो किस विशेष समूह का या वे, किस विशेष समूह से संबंध रखता है उसके आधार पर हमें उसके बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए इसके अलावा दूसरा जो दूसरी जो त्रुटी जिसपे मैं बात करूंगी वह होता है हेलो एरर हेलो एरर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के एक एक सकारात्मक गुण के आधार पर उसका सकारात्मक मूल्यांकन होता है यानी कि आपको पता चला कि एक इंसान बहुत ही होशियार है इंटेलिजेंट है तो सिर्फ एक सकारात्मक गुण के आधार पर आपने कह दिया कि वो इंसान बहुत ही मेहनती है वो इंसान बहुत ही आज्ञाकारी है वह इंसान बहुत ही सिंसियर है तो यह गलत है एक पॉजिटिव गुण पे एक सकारात्मक गुण के आधार पर आपने उसके पूरे व्यक्तित्व को सकारात्मक कह दिया इसी का ऑपोजिट विपरीत होता है हॉर्न प्रभाव यानी कि हॉर्न एरर इसमें हम एक नकारात्मक गुण के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरा ही नकारात्मक घोषित कर देते हैं या उसके बारे में ऐसी अवधारणा बना लेते हैं इसके अलावा एक होता है फर्स्ट इम्प्रेशन एरर जो कि ज़्यादातर इंटरव्यू रूम्स में देखा गया है साक्षात्कार के वक्त प्रबंधक इसको कमिट करते हैं किसी उम्मीदवार के बारे में शुरुआती कुछ पलों में ही सकारात्मक या नकारात्मक निर्णय कर लेने को ही हम फर्स्ट इंप्रेशन एरर कहते हैं हमने कुछ ही मिनटों में बस जो सोच लिया उसी के आधार पर पूरा इवेलुएशन पूरा मूल्यांकन कर दिया और सिर्फ यही नहीं एक और होती है है जिसका नाम प्रोजेक्शन एरर अचेतन धारणा है जो दूसरे सोचते हैं महसूस करते हैं जज करते हैं या कम या ज्यादा समझते हैं कि हम क्या करते हैं प्रोजेक्शन एरर उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं तो आपके जो प्रबंधक हैं अगर वह कुछ समय ज्यादा अपने संगठन को दे सकते हैं रोज या फिर ओवर टाइम वो आसानी से कर लेते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होती जिस दिन उनको कहा जाए ओवर टाइम करने को वो खुश हैं वो कर सकते हैं तो वह यही सेम फीलिंग्स को अनुभव को अपने अधीनस्थों पर प्रोजेक्ट करते हैं और आशा करते हैं कि वह मतलब कि उनके अधीनस्थ भी खुशी खुशी ओवर टाइम कर लें तो ये क्या हुआ प्रोजेक्शन एरर कि आप जिस तरीके के अनुभवों में खुश रहते हैं आप मानते हैं कि दूसरे लोग भी वैसे ही अनुभवों में खुश रहेंगे और इसका विपरीत कि अगर आपको कुछ अनुभव सुखद नहीं लगते तो आप मानते हैं कि दूसरों के लिए भी वह सुखद नहीं होंगे तो आप अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे के ऊपर तो यह सब थी अवधारणात्मक त्रुटियां तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि धारणा के संगठनात्मक अनुप्रयोग क्या है तो हम रोजगार साक्षात्कार में परसेप्शन की बात करते हैं जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन एरर आप सबसे ज्यादा इंटरव्यू रूम साक्षात्कार के वक्त ही करते हैं आप शुरुआत के कुछ ही मिनटों कुछ ही सेकंड्स में सामने वाले आवेदक के बारे में कुछ भी धारणा बना लेते हैं चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो और सिर्फ यही नहीं जब हम परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हैं प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं अपने कर्मचारियों का तब भी कभी कभी गलत अवधारणाओं के कारण हम उनके बारे में उनको गलत उनका गलत मूल्यांकन कर लेते हैं और सिर्फ यही नहीं हम गलत अवधारणाओं या अपनी सही या गलत अवधारणा के आधार पर लोगों की अपने कर्मचारियों की वफादारी पर भी बात भी बात करते हैं तो आप जैसे कि प्रबंधक बनने जा रहे हैं तो आपको यह सोचना जरूरी है कि किस प्रकार आप अपनी धारणा को सही बनाएं। आपको जो एरर्स जो त्रुटियां मैंने पढ़ाई तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी कर्मचारी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या आप स्टीरियो के एरर में तो नहीं फंस गए क्या आप सिर्फ एक सकारात्मक गुड़ के आधार पर ही तो नहीं पूरे उस इंसान की पर्सनालिटी को पॉजिटिव या सकारात्मक बना दे रहे हैं तो यह ध्यान रखिएगा जब हम किसी का मूल्यांकन करें किसी के बारे में कोई अवधारणा बनाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में संगठन में रहते हुए क्योंकि आप एक प्रबंधक होंगे आपके ऊपर जिम्मेदारी है क्योंकि अगर आपकी गरत, गलत गलत धारणाओं की वजह से गलत मूल्यांकन होता है तो यह आपके कर्मचारियों को बहुत डिमोटिवेट या हताश कर देता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एट्रीब्यूशन सिद्धांत की यानी कि एट्रीब्यूशन थ्योरी। फ्रिट्स हेडर द्वारा प्रस्तावित एट्रीब्यूशन सिद्धांत एक सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि सोशल साइकोलॉजी सिद्धांत है जो इस बात से संबंधित है कि व्यक्ति कैसे संबंधित है और सामाजिक दुनिया की समझ कैसे बनाते हैं यह इस बात से भी संबंधित है कि लोग अपने आसपास की घटनाओं का अनुवाद कैसे करते हैं और उनके अनुवाद उनकी सोच और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम किस प्रकार सामने वाले के व्यवहार का आंकलन कर रहे हैं अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो आपसे आपके दोस्त ने आज वादा किया था कि वो आपके साथ मूवी देखने यानी कि पिक्चर यानी कि सिनेमा हॉल जाएगा लेकिन सिनेमा हॉल जाने से कुछ एक घंटा पहले उसका फोन आया और उसने कहा कि वह आपके साथ नहीं जा पाएगा अब आप दो तरीके से अपने दोस्त के व्यवहार का मूल्यांकन कर सकते हैं पहला तो ये कि आप सोच सकते हैं कि उसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई होगी कोई जरूरत पड़ गई होगी कोई अनिश्चित चीज उसके साथ हुई होगी अनएक्सपेक्टेड जिसकी वजह से वह नहीं जा पा रहा या फिर आप यह भी सोच सकते हैं कि वो तो हर बार ऐसा ही करता है वो जाना ही नहीं चाहता था इसीलिए उसने मना किया तो देखिए आपने दो तरीके से उसके व्यवहार का मूल्यांकन किया पहला कि आपने यह ठहराया कि वो जो भी व्यवहार कर रहा है वो बाहरी कारणों की वजह से कर रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कर रहा है वो आपके साथ सिनेमा हॉल नहीं जा पा रहा क्योंकि उसके ऊपर कोई विपदा कोई मुसीबत आ गई होगी जिसकी वजह से वह नहीं जा पा रहा दूसरा आपने क्या मूल्यांकन किया कि वह आपके साथ जाना ही नहीं चाहता था शायद या वह तो हर बार ऐसा ही करता है तो यह हुए उसके आंतरिक कारक जिसकी वजह से वह नहीं जा रहा था और आपने मूल्यांकन किया कि वो अपने इंटरनल फैक्टर्स की वजह से नहीं जा रहा था तो हेडर का कहना है कि सभी व्यवहार को या तो आंतरिक या बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है बाहरी एट्रीब्यूशन को हम सिचुएशनल एट्रीब्यूशन जैसा कि उसने अपने दोस्त के लिए कहा कि बाहरी कारणों की वजह से किसी आपदा की वजह से किसी परेशानी की वजह से जिसमें वो एकदम से फंसा हो शायद वह नहीं जा पा रहा दूसरा आंतरिक एट्रीब्यूशन यानी कि डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन कि अपने खुद की वजह से वह जाना ही नहीं चाहता था तो ये दो तरीके से आप अपने आसपास के लोगों के व्यवहार का अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते हैं इंटरनल एट्रीब्यूशन और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन इंटरनल मतलब कि डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन और एक्सटर्नल मतलब सिचुएशनल एट्रीब्यूशन अब हेडर के अलावा कैली द्वारा एट्रीब्यूशन कारक कुछ दिए गए कैली ने एट्रीब्यूशन के गठन को प्रभावित करने वाले कारकों को जोड़कर हीडर के सिद्धांत को आगे बढ़ाया अगर हम इस फिगर में देखें तो व्यक्तिगत व्यवहार यानी कि इंडिविजुअल बिहेवियर तीन तरीके से हो सकता है डिस्टिंक्टिवनेस यानी कि विशिष्टता सर्वसम्मति यानी कि कंसेंसस एक जैसा यानि कि कंसिस्टेंसी तो पहले मैं बात करूंगी डिस्टिंक्टिवनेस यानी कि विशिष्टता पे जब एक इंसान अलग अलग स्थितियों में रहकर अलग अलग तरीके का व्यवहार दर्शाता है तो इसका मतलब होता है कि उसमें डिस्टिंक्टिवनेस यानी कि विशिष्टता ज़्यादा है मैं फिर से रिपीट करूँगी एक इंसान जब अलग अलग स्थितियों में होता है और वह अलग 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 तरीके से व्यवहार दर्शाता है तो इसका मतलब उसका जो विशिष्टता होती है वह कम है वो लो है डिस्टिंक्टिवनेस में और जब वह लो होता है डिस्टिंक्टिवनेस में तो इसका मतलब होता है कि वह आंतरिक कारकों की वजह से वह कार्य कर रहा है जैसे कि उदाहरण के तौर पर दूं कि आपको आपकी संगठन की एक मीटिंग में जाना था आपको आपके संगठन के एक फंक्शन में जाना था पार्टी में जाना था या आपको अपने कस्टमर अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाना था अगर आप तीनों ही सिचुएशंस में बिल्कुल पंक्चुअल पहुंचते हैं तो इसका मतलब आप अपने आंतरिक कारकों की वजह से पहुंच रहे हैं मतलब कि आपकी डिस्टिंक्टिवनेस कम है लेकिन अगर इसी के विपरीत आप पार्टी में तो टाइम से जाते हैं आप मीटिंग में पंद्रह मिनट पहले पहुंचते हैं और आप किसी और चीज में आधे घंटे से भी ज्यादा लेट पहुंचते हैं तो यह बाहरी कारकों की वजह से होता है इसका मतलब आपके में डिस्टिंक्टिवनेस ज़्यादा है जो कि बाहरी कारकों की वजह से हो रही है इसको हम विशिष्टता कहते हैं दूसरा होता है सर्वसम्मति यानी कि कंसेंसस जब कुछ लोग एक ही तरीके की स्थिति में पढ़ते हैं और एक ही तरीके का व्यवहार दर्शाते हैं तो इसका मतलब उनमें कंसेंसस ज्यादा होता है और वह बाहरी कारकों के द्वारा निर्धारित होता है उदाहरण के तौर पर आपको समझाती हूँ कि आप बाकी और अलग अलग लोगों के साथ अपने संगठन की ओर जा रहे थे लेकिन क्योंकि बीच में जाम लगा हुआ था कुछ दुर्घटना घटी हुई थी जिसकी वजह से जाम लगा था तो आप और आपके बाकी सारे लोग जो वही रास्ता लेते थे संगठन में पहुंचने का वह सब लेट हो गए जब वे सब लेट हो गए तो इसका मतलब वह किस वजह से लेट हुए क्योंकि कोई दुर्घटना हो घटी हुई थी अब अगर इसी के विपरीत में बात करूं कि आप एक ही रास्ते से जाते हैं लेकिन आप तो लेट पहुंचे बाकी लोग समय पर पहुंचे तो इसका मतलब कंसेंसस लो है आप अगर लेट पहुंचे हैं देरी से पहुंचे हैं तो यह आपके खुद के कारक हैं इंटरनल एट्रीब्यूशन है अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की आपने अपने ग्यारहवीं कक्षा में अलग अलग तरीके के अलग अलग समय पर इम्तिहान दिए टेस्ट दिए अगर आपके हर इम्तिहान में अच्छे नंबर आते हैं तो इसका मतलब आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है हाई है और ये किसके लिए किसके द्वारा एट्रीब्यूटेड है इंटरनल आपके आंतरिक कारकों की वजह से क्योंकि आप हर टाइम हर समय पढ़ाई करते हैं चाहे वो छोटा टेस्ट हो चाहे वो दस नंबर का टेस्ट हो चाहे वो सौ नंबर का सौ नंबर की परीक्षा हो आप सब में मेहनत से पढ़ते हैं लेकिन कभी तो आपके नंबर अच्छे आ गए कभी एवरेज आ गए कभी बहुत ही बुरे आ गए कभी आपने परीक्षा ही नहीं दी तो यह दर्शाता है कि आपके आपके मेहनत आपके खुद के परिश्रम कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं है एक जैसे नहीं है तो यह होते हैं कि कंसिस्टेंसी कम है चलिए अब इसमें आगे हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे एट्रीब्यूशन एरर्स की यानी कि जब हम दूसरों के व्यवहार को एक्सटर्नल या इंटरनल एट्रीब्यूशन देते हैं तो उसमें हम त्रुटियां कर बैठते हैं तो सबसे पहले त्रुटि जिसकी मैं बात करूंगी उसका नाम है मौलिक एट्रीब्यूशन त्रुटि यानी कि फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों के बारे में एट्रीब्यूशन लगाता है तो वह स्थितिजन्य कारकों यानी कि सिचुएशनल फैक्टर्स के प्रभाव को कम करते हुए स्वभाव संबंधी कारकों की भूमिका पर अधिक जोर देने की संभावना रखता है और ज़्यादातर यह होता है नेगेटिव सिचुएशंस में जैसे कि कोई बच्चा अगर फेल हुआ तो हम यह नहीं कहते कि उस बच्चे को कम नंबर दिए गए या उस बच्चे के साथ कुछ और दुर्घटना हुई हम यह कहते हैं कि वो बच्चा पढ़ता ही नहीं था उसने तो कभी मेहनत ही नहीं करी तो यह होता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कि दूसरे जब विफलता पाते हैं तो हम उसको मानते हैं कि वह सिचुएशनल नहीं है वह डिस्पोजिशनल है वह आंतरिक कारक की वजह से हुआ है वह खुद के वजह से हुआ है इसी के अलावा एक और एट्रीब्यूशन एरर होता है जो कि स्वयं सेवा पूर्वक ग्रह होता है सेल्फ सर्विंग बायस लोगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी सफलताओं का श्रेय आंतरिक कारकों को देते हैं लेकिन अपनी असफलताओं का श्रेय बाहरी कारकों को यह एट्रीब्यूशन सेल्फ सर्विंग बायस हम तब करते हैं जब हम अपने बारे में एट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम यह मानते हैं हम ये लोगों को दर्शाते हैं कि यह हमारी वजह से हुआ है हम इसे करना चाहते थे तो हुआ है लेकिन जैसे ही कुछ हमारे साथ गलत या हमें कोई विफलता मिलती है तो हम इस विफलता का श्रेय अपने ऊपर ना लेते हुए हम बाहरी कारकों को देते हैं तो यह होता है सेल्फ सर्विंग बायस इसके अलावा एक होता है हॉस्टाइल एट्रीब्यूशन एरर जिसका नाम है शत्रुतापूर्ण एट्रीब्यूशन पूर्वाग्रह यानी कि जिसमें व्यक्ति सौम्य के बजाय दूसरों के अस्पष्ट व्यवहारों को शत्रुतापूर्ण के रूप में व्याख्या करने की प्रवृत्ति दर्शाता है अगर हमें सामने वाले का व्यवहार समझ नहीं आ रहा तो हम उसको ये मानते हैं कि वह हॉस्टाइल है कि वह शत्रुतापूर्ण व्यवहार दर्शा रहा है हम यह नहीं मानते कि वह मित्रतापूर्ण व्यवहार भी हो सकता है जब हम जानते ही नहीं कि उसका व्यवहार कैसा है तो हम किस बिना पर कह रहे हैं कि वह शत्रुतापूर्ण है लेकिन यह एक त्रुटि है कि जब हम सामने वाले के व्यवहार को समझ नहीं पाते हैं तो हम उसको शत्रुतापूर्ण व्यवहार के रूप में जानते हैं उसकी व्याख्या करते हैं ना कि मित्रतापूर्ण व्यवहार की व्याख्या तो यह एरर है जिसके बारे में हमें वाकई में सोचने की ज़रूरत है तो प्रिय विद्यार्थियों इस सत्र में हमने जिस पर बात करी हमने बात करी कि अवधारणा क्या है किस प्रकार बनती है अवधारणा की प्रक्रिया क्या है अवधारणा में क्या क्या त्रुटियां हो सकती हैं हमने फिर एट्रीब्यूशन के सिद्धांत की बात करी उसकी आने वाली त्रुटियों की बात करी हमने यह भी देखा कि धारणा का उपयोग किस प्रकार संगठन में किया जाता है इसलिए एक प्रबंधक के तौर पर मैं आपको कहूंगी कि आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप अपनी धारणा किस प्रकार बना रहे हैं किस प्रकार वस्तु व्यक्ति स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं यह सोचना और समझना बेहद ही ज़रूरी है जिससे कि आपके डिसीजन मेकिंग आपके डिसीजंस आपके निर्णय सही रास्ते में जाएं तो मैं समझती हूँ विद्यार्थियों आपको यह व्याख्यान समझ आया होगा धन्यवाद